अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्फा एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं हाफिज अहमद अकरम अब्बास आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम तमाम की इस आंधी और तूफान वाली बारिश से हिफाजत करवाए। काफ़ी दिनों से मैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह में ये ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि हर कोई ये नोटिफिकेशन अपने स्टेटस पे रखा हुआ है कि फलानी जगह फलाने दिन तक इतने दिन तक बारिश होने वाली है, घर के बाहर हमको निकलो, ये नको करो, वो नको करो, रेनकोट पहनो, वगैरह 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 सारी बातें रखी जा रही। मगर एक चीज जो मैं मिस कर रहा था, जो मैं तलाश में था कि कोई तो अपने स्टेटस पर, कोई तो व्हाट्सएप पे ये शेयर कर दे कि तूफानी और बारिश के वक्त किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं पढ़ते थे, कौन सी दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। तो हम अल्फला एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आप हजरात के सामने बारिश की दुआएं लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हजरात मुझे इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन दुआओं का इंतजाम करें, और साथ ही साथ जब कभी तूफान आता, आंधी आती, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था, दो रकात नफील नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह तेरी ये जो बारिश बरस रही है, अल्लाह इसके अजाब से हमारी हिफाजत फरमा, इसको जहमत वाली बारिश ना बना, इसको रहमत वाली बारिश बना। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के दुआ करते थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये दुआ बता दूं कि हम जब बारिश के लिए दुआ करते हैं, बारिश होने के लिए दुआ की जाती थी, तो ये दुआ पढ़ी जाती थी कि अल्लाहुम्मा अगिसना, अल्लाहुम्मा अगिसना, अल्लाहुम्मा अगिसना, ये बारिश की दुआ थी। फिर जब बारिश होती तो ये दुआ पढ़ी जाती थी, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, ऐ अल्लाह नफे वाली बारिश पर। मगर आज हम क्या कर रहे हैं, ये दुआएं ना तो हम पढ़ते हैं, ना तो हम याद करते हैं, ना तो सुनते हैं। बारिश जैसा सुनी हम उसकी एक स्टोरी बना के जो सो फोन को यूं करके इट्स रेनिंग कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के हम जो सो अपने स्टेटस पे रख देते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई मैं सबसे पहले मैं स्टेटस पे रख अल्लाह। और जब तूफानी बारिश आती है, जब पानी कई बस्तियों में दाखिल हो जाता है, जब घरों में पानी दाखिल हो जाता है, फलाने बस्ती में पानी दाखिल हो गया, अब क्या करेंगे, दुआ करो अल्लाह से। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि अगर तूफान आए, आंधी आए, तेज बारिश आए, तो किस तरह हमको दुआएं पढ़ना है, दुआओं का इस्तेमाल करना है। जब तेज तूफानी बारिश आए, कंटिन्यूसली जो पिछले दिनों से जो बारिश हो रही है, अगर ऐसी बारिश होते रहे, तो हमें चाहिए कि हम इस दुआ का भी इस्तेमाल करें, अल्लाहुम्मा हवा लेना वला लेना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी वल जिबाल والثواب والأودية ومنامة الشجر। मैं फिर एक मरतबा दुआ दोहराता हूँ, اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأعقاب والجبال والذراب والأودية ومنامة الشجر। ये दुआ का हमको एहतमाम करना है। और आखिर हुआ जब कहीं बिजली कड़के, तूफान आए, तेज तर्रार बिजली चमकने लगे, बिजली की गड़गड़ाहट हो, तो ये दुआ भी हमको पढ़नी है, اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا فضلك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا فضلك। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले तमाम दोस्तों से, व्यूअर से, कि हम अपने स्टेटस पे बजाय बारिश के इंटीमेशन के हम इस वीडियो की लिंक को रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक शेयर करेंगे और इन दुआओं को हम याद करेंगे और दूसरों को भी याद करने की तरकीब करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।